लो अब भैया गुरुजी के चरणों में कोटो कोटि नमन इस दास का। जय हो, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो कबज पाठ कहलाता है, उस पे आहुति हवन करना किस विधि से करना और किस चीज से करना, इस पर प्रकाश डालिए गुरुजी। हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं, आप यही पूछा ना? जी जी गुरुजी, हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस विधि के लिए तिल जवा चावल घी शक्कर लिया, राम दरबार का चित्र, बालाजी का चित्र सामने लगाया, हाथ में जो है तिल राम जी का पहले ध्यान किया, पूजन पंचोपचार से चंदन चावल आदि पुष्प चढ़ा करके, प्रसाद आदि चढ़ा करके पूजन किया, अग्नि को प्रणाम किया, हाथ में तिलजवा चावल घी शक्कर पंच मेवा से मिश्रित हवन सामग्री को लिया और प्रथम दोहा पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रंज मन मुकुर सुधार वर्ण और रघुबर विमलेश जो दायक फल चार स्वाहा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बलिबुद विद्या देव मई हरौ कलेश विकार, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, ओम हम हनुमते नमः। राम दूत अतुल बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। जय गुरु जी। दूसरा